फिर से हमारे YouTube चैनल राष्ट्र सर्विस सेंटर में और आज की वीडियो मांगी गुलाम अब्दुल कादर बलरामपुर से हैं। उन्होंने वीडियो मांगी है, उन्होंने दो मशीनों की वीडियो मांगी है, एक छोटी मशीन और एक बड़ी मशीन की। सिलाई ख़राब आती है, नीचे लच्छी सी आ रही है और उसको कैसे सही करें, क्या करना है, नीचे दाने टाइप आता है, धागे कट कट के आते हैं, लच्छी जैसी आती है। उस टॉपिक पर उन्होंने वीडियो मांगी है, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है, कैसे है और उसमें क्या करना है। तो आइए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको, बताते हैं। गुलाम अब्दुल कादर साहब देखिए, आपको दिखाते हैं मशीन में जो अभी आपने जो प्रॉब्लम बताई थी। तो देखिए मैं आपको पहले सिलाई लगा करके दिखाता हूँ। तो देखिए गुलाम अब्दुल कादर साहब, सबसे पहले मैं आपको इस पर सिलाई लगा करके दिखा रहा हूँ। जो देखिए आपने जो मुझे व्हाट्सअप किया था उस पर सिलाई जो है आपकी मशीन में इस तरीके की आ रही थी। देखिए इस तरीके से आपकी मशीन में जी आपने दिखाया था कि इस तरीके से लच्छी जैसी आ रही है, इस तरीके की लच्छी जैसी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दाना सारा लच्छी सी आ रही है देखिए, और क्या करें, कहां से कैसे क्या सही करें, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुलाम अब्दुल कादिर साहब बने रहें वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मुख्तसर सी उसमें आपको समझा देंगे कि इंशाल्लाह इसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है। और बाकी जो मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर पर नए हैं, वो मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जब हम मशीन चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारी सुई ज़्यादा मोटे पा करके या थोड़ा बैलेंस ख़राब होने की वजह से हमारी सुई टूट जाती है या टूटने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखा दूँ, ये सटल जो है हमारी सटल पर सुई टूटी थी। तो यहाँ पर देखिए ये धार है, आप देख सकते हो, देखिए ये इस पर धार आप साफ देख सकते हो, जूम कर लो, देखिए ये बस ये धार जो है यहाँ सुई टूटने की वजह से इस पर धार आई है। तो अब इस धार को हमें कैसे ख़त्म करना है, क्या करना है, ये दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये तिकोरा है, इस तिकोरे से आपको इस तरीके से इसकी ये धार यहाँ से हटा लेनी है, इस तरीके से इसको रेस करके हमें साफ़ कर लेना बढ़िया करके, ताकि यहाँ और इस तरीके से हाथ लगा करके इसको लगा करके देख लें, चेक करें कि इसमें कोई कमी या कोई दिक्कत तो नहीं रही, कोई धार वगैरह तो नहीं रही। और धार जो है एक इस पे यहाँ देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ आ जाती है धार, और कुछ पे यहाँ इस तरीके इस साइड में धार आ जाती है। तो ज़्यादातर इसको घिस करके बढ़िया करके इसको बेहतर कर लें। अब इसको घिसने के बाद हमें इसको सैडल को हम इसको लगा लेंगे, और लगाने के बाद और इसको सैडल को लगाने के बाद हम अपना पहले नाल कस लेते हैं। मैंने धार जो थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अब इसको लगा सैडल लगा कस लेंगे। और एक और उन्होंने ये आपने जो बताया था कि इसमें कहाँ कहाँ से धागे की प्रॉब्लम रहती है, किधर किधर से रहती है, वो सारी जो नॉलेज इंशाल्लाह आज आपको दूंगा मैं इसमें। और बस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। गुलाम अब्दुल कादिर साहब बलरामपुर से। तो देखिए ये नाल जो है मैंने इसको सेट कर दिया है, कस दिया है, और अब हमें देखना क्या है, हमारी ये जो होती है ये कैरियल और सैडल में जो गैपिंग होती है इसको भी देखना है हमें, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कैरियल और गैपिंग में कमी गैप ना हो। तो इस तरीके से देखिए आप देख सकते हो ये कितना गैप है इसमें, और ये यहाँ पर देखिए कितना गैप है, ये देखिए ये तीन सेट आपको गैप देखना है, देखिए पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इस तरीके से गैप देखना है। और तीसरी चीज़ आपको क्या देखना है, तीसरी चीज़ आपको ये देखना है कि देखिए ये हमारी ये निडिल प्लेट जो होती है, पटली जो होती है, इसको देखना है, इसको बढ़िया करके देखें कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं। तो देखिए इस पर भी हमारी सुई टूटती है, तो इस पर सुई के निशान आ जाते हैं, देखिए ये कितने इस पर सब सुई के टूटने के निशान आ जाते हैं। तो इसको भी इस तरीके से कैंची की मदद से या कोई नोकदार की चीज़ की मदद से इस तरीके से इसको बढ़िया करके इसके सुराख को हम साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद इसको बढ़िया से बेहतर तरीके से इस तरीके से देखिए ये इसकी किनारियाँ भी बढ़िया करके इसकी हम साफ कर देंगे, और इस फिर इसको मशीन को हम चला करके देखेंगे। इस तरीके से पटली को भी बढ़िया करके साफ कर लेंगे और बेहतर तरीके से इसको, अब हमने पटली भी साफ़ कर दी है और सटल पर जो हमारे धार थी हमने वो भी सेट कर दी है।
और फिर इसके बाद हमें क्या चेक करना है वो भी आपको इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में समझाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निडल प्लेट तो मैं इसकी कस चुका हूँ और मैंने निडल प्लेट कस दी और दो चीज़ मैंने अब्दुल कादिर साहब आपको गुलाम अब्दुल कादिर साहब आपको बताई थी, एक तो ये हमारा सेटल, दूसरी ये पटली, तीसरा कैरियल का गैप। और जो कैरियल में जो हमारी ये पत्ती जो होती है यहाँ पर लगी हुई है कैरियल में, जो पत्ती जो होती है कैरियल में आप देख सकते हो ये पत्ती होती है, ये टूटो भी ना हो या इसके जो पेंच होते हैं उन पेंचों पर धार ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ हमें क्या देखना है कि देखिए कुछ डिब्बी जो होती हैं हमारी इस तरीके से ये जो है धागा निकाल निकाल के चलाती हैं, धागा निकल जाता है इनमें से डिब्बी में से, ये ऐसा ना हो, धार डिब्बी पर ना हो, ये पेंच ज़्यादा उठा हुआ ना हो। और तीसरी चीज़ ये हमारा धागा ज़्यादा फ्री ना हो, ज़्यादा लूज ना हो। और ध्यान रहे यहाँ ये स्टेप जो होता है इसमें ज़रूर लगा करके इसको धागे को चलाएं। तो आइए अब इतनी चीज़ देखने के बाद फिर हमें इसका कैंप देखना होता है। कैंप मैं आपको पिछली वीडियो में समझा ही चुका हूँ कहाँ बांधना है मुझे आपको और कैसे करना है, इस तरीके की आपको प्रोसेस पूरा करना है इंशाल्लाह। और आइए हम आपको इतनी मशीन कंप्लीट करने के बाद आपको मशीन चला कर दिखाता हूँ और देखते हैं इंशाल्लाह हमारी मशीन कैसी, कोई कमी कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है। कादिर साहब देखिए अब मशीन जो है मैं आपको चला करके दिखाता हूँ और फिर देखते हैं बताते हैं और कमी क्या है इसमें, जो हमारी कमी थी वो हमारी कमी दूर इसमें हुई या नहीं। तो देखिए अब्दुल कादिर साहब अभी जो हमने सिलाई लगाई थी तो वो ये थी, हमारे दाने दाने जैसी लच्छी टाइप जैसी आ रही थी। अब हम इसी कपड़े पर दोबारा इसको सिलाई लगा करके देखते हैं। तो देखिए मशीन की सिलाई हमारी अब देखते हैं कैसी आई। तो देखिए अब्दुल कादिर साहब इंशाल्लाह जैसी सिलाई ये ब्लर है, जैसी इस सिलाई यहाँ पर है वैसी ही सिलाई ऊपर है और उसी टाइप की सिलाई नीचे है, जो पहले जो थी देख सकते हो आप ये इस तरीके से ऐसी सिलाई थी। तो इसको आपको देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई ज़्यादा या कुछ बस क्या देखा है कि आपने जो इसमें हमारी जो सटल पर धार थी वो ख़त्म की है, जो हमारे इस पर सटल पर जो हमारे धार थी वो ख़त्म की और जो हमारे निडल प्लेट पर धार थी, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं हमारे धागे गड़बड़ होंगे हमारी मशीन के डिब्बी के या इसके टेंशन के, सिलाई खराब हो सेटिंग खराब होगी और तभी मशीन की सिलाई सही नहीं आएगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें। ये भी देखें कि हमारी चलते चलते मशीनों में सुइयाँ टूटती हैं तो कहीं ना कहीं तो टकराती होंगी, कहीं ना कहीं अपना निशान भी ज़रूर छोड़ेंगी, ज़रूर कोई ना कोई उसमें कमी आएगी। तो जहाँ भी निशान छोड़ेंगी तो इंशाल्लाह वहाँ 100% वहाँ धार बन जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अब्दुल कादिर साहब आपको मेरी दी हुई जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बाकी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करें, बहुत जल्द वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। और बाकी अब्दुल गुलाम कादिर साहब बलरामपुर से जो हैं वो उन्होंने एक वीडियो और मांगी थी अम्ब्रेला मशीन की, वो भी सिलाई के टॉपिक पर, आपने जो वीडियो मुझे व्हाट्सअप की थी, इंशाल्लाह वक्त मिलने पर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और बाकी भाई किसी भी भाई को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट में जो भी जिस आपको वीडियो चाहिए हो कमेंट में आप अपना नाम और एड्रेस ज़रूर लिख दिया करें। और बाकी वीडियो में आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।